हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग। अस्सलाम वालेकुम, शिबू के किचन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करते हैं आज का नया व्लॉग शुरुआत। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बेहतरीन सी रेसिपी जिसका नाम है पाया मसाला। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल्स, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे वो आज हम आपको लाइन वाइज बताएंगे। तो हमारी वीडियो पर आप एंड तक बने रहे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर मसाला रेडी करेंगे। तो हमने पहले 2 इंच का अदरक लिया है, उसको हमने कट करके पीसेस बना लिए हैं। उसके बाद हमने 10 से 12 लहसुन के पीसेस लिए हैं। उसके बाद हमने 5 हरी मिर्च लिए है। उसके बाद हमने थोड़ा सा हरा धनिया लिया है और उसके बाद थोड़ा सा हमने लिया है यहाँ पर पुदीना। अब इन सबको हम मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। हमने सारा मटेरियल जो है मिक्सी में डाल दिया। अब उसके बाद हम थोड़ा सा इसमें वाटर ऐड कर लेंगे और उसको अच्छे से बारीक पीस लेंगे। तो गाइस ये है बकरे का पाया जो कि इतने प्यार से चल चल के हमारे यहाँ पर आया है। तो इसको करेंगे हम अभी फटाफट से साफ। तो गाइस जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमने यहाँ पर 4 पाए लिए हैं। अब इसको क्लीन कैसा करते हैं और कैसा क्या करते हैं हम आपको स्टेप वाइज बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हम कैसे इसको कट करते हैं और सर्व करते हैं, इसको 4 पीसेस में हम कैसे डिवाइड कर लेंगे। और ये है बकरे के जो फूट है वो है, इसको हम साइड में रख लेंगे और इसका हम क्या करेंगे वो हम आपको बाद में बताएंगे। तब तक के लिए हम इसके पीसेस कर लेते हैं फटाफट से। देख ही सकते हो गाइस हमने इसी तरह से सारे पीसेस कर लिए। अब फटाफट से हम वो जितने भी पाए बचे हैं उनके पीसेस कर लेंगे। तो हमने जो फूड्स है वो हमने यहाँ पर बॉल में ले लिए हैं, उसको हम बॉईल करेंगे 10 से 12 मिनट के लिए। और उसके जो फूड है वो इजीली रिमूव करें क्योंकि इसके जो फूड्स होते हैं वो इजीली रिमूव नहीं होते, इसलिए हम इसको फटाफट से पहले बॉईल करके ले लेंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हम नेक्स्ट स्टेप की ओर। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है जिसमें हमने 2 चम्मच फूड ऑयल डाला है। उसके बाद हमने यहाँ पर थोड़े से खड़े मसाला लिए हैं, आप देख ही सकते हैं, वो हम इसमें सारे ऐड कर देंगे। उसके बाद हमने लिया एक बड़ी साइज की प्याज लिया, उसको हमने चॉप किया है। तो जैसा कि देख ही सकते हो आप गाइस, प्याज को हमने ब्राउन होने तक, ज्यादा भी हमने ब्राउन नहीं किया है, लाइट लाइट ब्राउन किया है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच गरम मसाला और 2 चम्मच हम डालेंगे इसमें रेड चिल्ली पाउडर। और जो हमने मसाला मिक्सी में ग्राइंड किया था वो हम इसमें अभी डाल देंगे। अभी जो मसाले हैं उनको हम अच्छे से 5 से 6 मिनट भून लेंगे और हमने पानी जरा भी ऐड नहीं किया है। तो गाइस 5 से 6 मिनट यहाँ पर हो चुके हैं, मसाला भी रेडी हो चुका है एकदम। अब इसमें हम थोड़ा सा वाटर ऐड करके हम और 10 मिनट के लिए भूनेंगे इसको। मिलते हैं आपसे 10 मिनट के बाद। तो गाइस यहाँ पर 10 मिनट पूरे हो चुके हैं और हमारा मसाला भी अच्छा भुन चुका है। तो हम अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो गाइस हमने जो फूड को उबाला था वो उबाल हो चुका है कंप्लीट। तो हम इसको अब करेंगे क्लीन। तो गाइस देख ही सकते हैं इसी तरह से आसानी से वो निकल चुका है, इसलिए पहले हम उसको उबाल करके लेते हैं। तो इसी तरह से हम फटाफट से सारे जो फूड है हम साफ कर लेते हैं। तो गाइस हमने पहले यहाँ पर एक कुकर लिया है, उसमें हमने 1/2 लीटर वाटर ऐड किया है। तो गाइस ये जो पाए है उसको हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है, साफ कर लिया है अच्छे से धो के। अब इसको हम कुकर में ऐड करेंगे। हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले ऐड करेंगे।
खड़े मसाले डालने से जो इसकी स्मेल है वो खत्म हो जाती है। थोड़ा सा अदरक का पेस्ट लेंगे और थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट। अब इसको हम अच्छी तरह से उबाल कर ले लेंगे। मसाला जो है भूनकर रेडी हो चुका है माशाल्लाह। अब उसमें हम एक किया हुआ टमाटर ऐड करेंगे। अब उसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट भून लेंगे। तो गाइस यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह। देखो तरी तरी आ गई है। अब उसमें हम ये पाए ऐड करेंगे। तो अब हम उसमें टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर लेंगे। तो गाइस इसी को हम अभी 10 से 15 मिनट के लिए यू ही लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। मिलते हैं आपको 15 मिनट के बाद। तो गाइस यहाँ पर 10 से 15 मिनट मुकम्मल हो चुके हैं। तो माशाल्लाह देखिए बनकर जो है पाया मसाला रेडी हो चुका है माशाल्लाह। आप भी घर में अपने ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही स्वादिष्ट और हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं ये। तो गाइस अब हम फ्लेम को ऑफ करेंगे और जो हमारा पाया मसाला है, हमारा नहीं मतलब बकरे का, उसको हम सर्व करके अब रेडी करेंगे। तो लीजिए गाइस पाया मसाला बनकर जो है पूरी तरीके से माशाल्लाह रेडी हो चुका है। आप देख ही सकते हैं कितना बेहतरीन और माशाल्लाह लग रहा है और बहुत ही लाजवाब और टेस्टी है। तो आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको हमारी जो आज की जो ये रेसिपी थी पाया मसाला कैसी लगी। और आप हमारे चैनल पे न्यू हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे यूं ही तरह नए नए वीडियो आते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आपका सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं आपसे जल्दी इसी वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।